हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा, हम दिल्ली आए हुए हैं पारस भैया की बर्थडे पार्टी में। तो रात भर सोए नहीं और सुबह के 4 बज चुके हैं और फुल पार्टी कर रहे थे, फुल बातचीत कर रहे थे, काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। फिलहाल अभी मैगी बनाई, मैगी खाएंगे और सुबह हमारा प्लान है 6 बजे निकलने का। तो अब तो सोएंगे नहीं क्योंकि 2 ही घंटे बाकी हैं, थोड़ा और चिल करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर निकलेंगे। पीयूष सो चुका है, लेकिन पीयूष काफ़ी थक गया था ना क्योंकि पूल में बहुत नहा रहा था वो। बाकी साहिल यहाँ पे है। एक ही में से खाना है सबको, चम्मच आ गए हैं सारे, एक एक करते तो बढ़िया हो रही है। शेयर अदर्स, खानी है एक ही में से। ये प्लेट्स पता नहीं कहाँ पड़ी हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ 7 पैकेट मैगी के बने हैं और इसी में से सारे के सारे खाए जा रहे हैं बिना प्लेट के। तो अभी 4:30 बज चुके हैं और हमको चाय पीनी थी, बट यहाँ पे दूध नहीं, तो हम दूध लेने जा रहे हैं 4:30 बजे। कहीं तो दूध मिलेगा हमको, होपफुली बस दूध मिल जाए। अरे मिलेगा, क्या हुआ, दूध नहीं मिला क्या? दूध अमरूद है, बंद है, लेकिन ताला है। ये कैसी दुकान है भाई? ओपन शॉप है, ओपन शॉप है लेकिन बंद है। अरे ताला लगा हुआ है। दूध मिल जाएगा, दूध चाय पत्ती भी होगी, चाय पत्ती चाय पत्ती क्यों मिलेगी यार? चीनी चीनी तो चाहिए, चाय मांग लो यार, तुम पूरी चाय मांग लो। अरे दूध ले लो, बस दूध ले लो। सुबह के 5 बजे हम दूध ढूंढे ढूंढे पहुंचे हैं अमूल डेयरी पे। अब फोन करके पूछ रहे हैं कि चाय पत्ती है, नहीं तो चीनी और चाय पत्ती। चीनी चाय पत्ती है। अच्छा, चीनी और चाय पत्ती भी लेनी है? और क्या नहीं मिली भाई? नहीं मिलेगी। मिलेगी यार, बैठो बैठो, अब 24/7 जाना पड़ेगा उसके लिए। चलो जहाँ जाना है चलो। कॉफी वगैरह मिल जाएगी? कॉफी हाँ हो गई, कॉफी करा दी मैंने। देखो क्या है, शादी वाली कॉफी। देखो शादी वाली कॉफी। तो अभी फिलहाल मुझे काफी नींद आ रही है, तो कॉफी की बहुत जरूरत है, बिकॉज अभी हमको जाना है ना। तो अपनी कॉफी तो आ गई है। तो अभी गाइस मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सुबह के 5:34 हो चुके हैं और ये न्यू वाली i20 है, काफी स्मूथ है, मजा आ रहा है चलाने में सुबह सुबह। तो अभी ऑलमोस्ट उजाला हो चुका है और हम अपनी कॉफी पी लेते हैं और फास्ट टैग लगवा लेते हैं। आज तो लिटरली पूरी रात नहीं सोए, अब तो रास्ते में आराम से गाड़ी में सोऊंगा। तो अभी हम फार्म हाउस से पहुंच गए और हमारी गाड़ी आ चुकी है जिसमें हमको जाना है हल्द्वानी। तो ये वाली गाड़ी है जिसमें हम जाएंगे। तो अभी फार्म हाउस को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है एंड इन सबको भी बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। बहुत ही मजा आया कल रात को लिटरली। शूज गए तेरे, ऐसे ही जाएगा? बाय 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 बाय, नमस्कार। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद सर से मिल रहे हैं हम। तो सर को तो आप जानते हो, हमारी गाड़ी लेने गए थे और हमको गाड़ी भी इन्होंने सिखाई थी और हमने बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं। तो अभी सर को जाना है हल्द्वानी, तो हमने कहा साथ में चलते हैं, तो अब साथ में जाएंगे आज हल्द्वानी। तो अभी सर के घर पे आए हैं, यहाँ पे 1/2 घंटा रुकेंगे और फिर चलेंगे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मेरे तो मतलब काफ़ी दिनों से मैं तो नींद ही पूरी नहीं अच्छे से। तो अभी गाइस मैं तो तगड़ी नींद में हूँ। हो गए रेडी चले? बस ये 6 घंटे निकल जाएगा ऐसे ही और मैं घर पहुँच जाऊँ, फिर अच्छे से रेस्ट करूँगा मैं तो, बिकॉज इतने दिन हो गए मतलब अच्छे से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, ऐसे ही चल रहा था जो कि आपने देखा ही था, और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है ना। तो अभी नींद से जागने के लिए मैं गाड़ी चलाऊंगा और इन सबको डराऊंगा। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, 12 बज चुके हैं, सुबह कुछ खा के नहीं आए थे ना। ऑलमोस्ट 1/2 रास्ता कवर हो चुका है एंड मैं ही ड्राइव कर रहा था, नींद नहीं आ रही सही है। हाँ क्या खाना चाहोगे? हम हवा। मेरी 2 प्लेन रोटी और दाल तड़का। पाव भाजी, पाव भाजी, परांठा ना, आलू का परांठा। इसका तो मेरे को पता ही, आलू का परांठा है। हाँ यही वाली रोटी चाहिए थी बस। आपके सिर से भी बड़ा लग रहा है एक। हाँ पाव भाजी नहीं आई अभी तक, आएगी भी नहीं। हवा का, हवा मांगी। अरे हाँ तूने हवा मांगी थी, हवा का। तो खाना हो चुका है, अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आजकल पीयूष ने एक नई चीज सीखी है, कोल्ड कॉफी की जगह लेमन सोडा पी रहा है, जो कि सही है। बाकी सब इन्होंने कोल्ड कॉफी ली सब ने। तो अभी काफी दिनों के बाद हम मम्मी पापा और ओरियो से मिलने वाले हैं, तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं तो यार। बहुत बहुत याद आ रही थी ओरियो की, तो बहुत ज्यादा। मम्मी पापा से तो बात हो जाती है फोन पे, बट ओरियो से तो नहीं हो पाती ना, तो वो हमको याद कर रहा होगा बहुत और हमको भी बहुत याद आ रही है उसकी। गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, मजा आ रहा है। ये पुरानी वाली इनोवा है लेकिन इसमें भी बहुत मजा आ रहा है लिटरली। तो फाइनली हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, आपको पहाड़ दिख रहे होंगे सामने और सामने हमारा घर भी वहीं है। हाँ जी हम ही हैं। ये वाले गार्ड बढ़िया हैं, देखो जाने देते हैं ऐसे, अपनी वाली इनोवा के पीछे लगा देते हैं। फाइनली गाइस, फाइनली बहुत दिनों के बाद पहुंच चुके हैं। गाड़ी एकदम नई लग रही है, देखो धो रखी है, चमका रखी है पापा जी ने, लेकिन पूरे रास्ते मैंने ड्राइव किया तो काफी अच्छा लगा। और अच्छा भी किया, अच्छा जल्दी पहुंच गए। हाँ ओए कुनाली, कुनाली यहीं पे ही है। ओलू ओलू ओली ओलू, आजा 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 ओली। ये बंद है यार,
कुनाली कैसे हो? ओली सरदा आ गए हैं। प्रणाम चाची जी। ओली अरे सरदा आ गए हैं। आप इतने छोटे क्यों हो? मैं कम खाता हूँ। और बताओ कैसे हो, ठीक हो? तो अभी हमको सरप्राइज मिला यहाँ पे, चाची जी भी आई हुई है। अभी क्या बना रहे हो, भूख लग रही है मुझे? खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी तो खिचड़ी तो रेडी हो गई है। घर की खिचड़ी तो मेरी फेवरेट है, बहुत दिनों के बाद नसीब हो रही है। मैं मम्मी की खिचड़ी को बहुत मिस कर रहा था कि खिचड़ी मिल जाए होटल रूम पे, मैं सोचता कि खिचड़ी मिल जाए मम्मी वाली, बट अब जाके मिली है। बाकी मुंबई का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने को मिली, वड़ा पाव। लेकिन मेरे फेवरेट तो यही है, मम्मी के हाथ की सब्जी रोटी और ये। तो खाना तो हो गया, अब पियेंगे मस्त मम्मी के हाथ की कड़क चाय और फिर करूँगा मैं रेस्ट, बिकॉज रात भर सोया नहीं है। तो अभी थोड़ा चिल करने के लिए छत में आए हैं, साथ में मेरे कुनाली है। नए घर में कैसा लग रहा है? आप इतने छोटे क्यों हो? क्योंकि मैं कम खाता हूं गाइस। कम खाता हूं? भाई तो ये ओरियो के साथ खेल रहा है। क्या डर नहीं लगता आपको इससे? छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे नहीं? ओ मारते नहीं है, मारते नहीं है। बाय द वे गाइस, मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। सामने चाचा चाची और कुनाली तो काफी दिन से यहीं पे ही है, जब से हम यहाँ से गए थे वो उसी दिन यहाँ पे आ गए थे। बाय द वे काफी अच्छा लग रहा है सोसाइटी को देख के, अपने घर को देख के, ओरियो को देख के। इतने दिन तक क्या कर रहा था वरी? तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर साहिल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय द वे फिलहाल अभी हम सब डिनर कर रहे हैं यहाँ पे, भिंडी रोटी आलू और दही। साहिल के 1 मिलियन हो गए, जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन करके आओ, जाओ जाओ। ये देखो कितना प्यारा और टेस्टी खाना है आज का। तो पियूष अभी अनबॉक्स कर रहा है एक गिफ्ट जो कि सब्सक्राइबर ने दिया था। अच्छा हाँ, जब एयरपोर्ट से हम उतरे थे, एयरपोर्ट पे ही खड़े थे, तो उन्होंने दिया था। इसमें मैगी, मैगी हो सकती है मैगी, अरे मैगी हो रहा है। तो गाइज हमारे इस घर में पहली बार ये गाना चलेगा बड़ी स्क्रीन पे और सारे डांस करेंगे, ठीक है? तो आज फर्स्ट टाइम चाचा और चाची भी हमारे साथ में है, डांस करेंगे। राजीव सर तो है ही। हे गाइस, तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट उठा हूं मैं और एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। और यो भी यहाँ पे है, गुड मॉर्निंग ओली। रात को इतना थक गया था ना कि पता नहीं चला कब सो गया। अभी 5 बजे उठाऊँ, अब एडिटिंग करेंगे, 8 बजे तक होपफुली ब्लॉग आ जाएगा। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अब तो मैं घर ही हूँ, अब कहीं अभी फिलहाल तो प्लान है नहीं। तो बस मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, 12 बज चुके हैं, सुबह कुछ खा के नहीं आए थे। ऑलमोस्ट